हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग दो इम्पॉर्टेंट लेटर्स देखने वाले हैं। एक है रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट और दूसरा है रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। ना, रिन्यूअल और रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट जो होता है मिनिमम 6 मंथ्स के लिए और मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए किया जा सकता है, जहाँ पे कंपनी के अंदर आप क्या करते हो, पैसे को फिक्स समय के लिए डिपॉजिट करते हो और कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट लेती है। ये जो फिक्स डिपॉजिट है, ये मैच्योर्ड होने के बाद में, इसका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में डिपॉजिट होल्डर के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिपॉजिट को रिन्यू करा सकता है या रीपेमेंट ले सकता है। ना, रिन्यू करना मतलब क्या कि वो डिपॉजिट को आगे फर्दर एक्सटेंड करना या बढ़ाना। जैसे कि 2 साल के लिए मैंने अगर सपोज फिक्स डिपॉजिट किया था पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, अभी मुझे वो पैसे की जरूरत नहीं है और मुझे वो पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी को बोलूंगा कि और 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप क्या करो, इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करो। उसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट। या दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, जहां पे वो डिपॉजिट होल्डर को पैसे की जरूरत है या वो कंपनी में पैसा नहीं रखना चाहता है, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो ये दोनों सिचुएशन में सेक्रेटरी किस तरीके से लेटर लिख के प्रोसीजर जो है वो डिपॉजिट होल्डर को समझाती है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे पहले होता है, फिर रेफरेंस नंबर और डेट होता है उसके सामने, फिर जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका नाम और एड्रेस, मतलब जो डिपॉजिटर है उसका नाम और एड्रेस, सब्जेक्ट हमारा शॉर्ट एंड स्वीट रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डियर सर। ये हमारी सारी कॉमन चीजें हैं जो हर एक लेटर में हम लोग देखते हैं। नाउ पहले पैराग्राफ में देखो सेक्रेटरी ने क्या मेंशन किया हुआ है कि वी आर इन द रिसीट। रिसीट मतलब क्या, मिलना, हमको आपका एप्लीकेशन मिला है। जब भी किसी भी डिपॉजिटर को अपने डिपॉजिट को रिन्यू करना होता है तो उसको कंपनी को एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है, जो कंपनी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, और उसके ऊपर साइन करना पड़ता है कि मैं मेरे डिपॉजिट को, इतने अमाउंट को, इतने दिनों के लिए फर्दर रिन्यू करना चाहता हूँ करके। तो वही सेक्रेटरी ने यहाँ पे लिखा है कि आपका एप्लीकेशन मिला है, जो आपका 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है उसके रिन्यूअल के बारे में है, और जिसको आप फर्दर 2 सालों के लिए क्या करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो या रिन्यू करना चाहते हो। तो ये पहले लिखा कि फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला हमको। दूसरे लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपका ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसिट, मतलब आपने जब 2 साल पहले ये डिपॉजिट किया था तभी का जो आपको फिक्स डिपॉजिट रिसिट मिला था, वो भी आपने क्या किया, ये एप्लीकेशन के साथ अटैच किया, वो बताना बहुत जरूरी है कि वो रिसिट भी हमको मिल गया है करके। और फिर सेक्रेटरी लिखती है कि ये जो आपका एप्लीकेशन है वो हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्लेस किया हुआ है। प्लेस किया मतलब रखा हुआ है कंसिडर करने के लिए और अप्रूव करने के लिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो उसको अप्रूव करेंगे उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट रिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज हर एक चीज जो होती है उसके अंदर बोर्ड मीटिंग होना जरूरी होता है और बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन होना, पास होना जरूरी होता है। तो वही लिखा। तो सिंपल सा है कि आपका एप्लीकेशन मिला जो आपके फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू करने के बारे में था 1 लाख रुपए का, और जो आप फर्दर 2 सालों के लिए उसको रिन्यू करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमको आपका फिक्स डिपॉजिट रिसिट मिला जिसका नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर सेकेंड पैराग्राफ में सेक्रेटरी क्या लिखती है कि कंपनी का बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसका डेट भी मेंशन किया है कि 12th मार्च को बोर्ड मीटिंग हुआ था, और कंपनी की सेक्रेटरी जो 25th मार्च को लेटर लिख के इन्फॉर्म कर रही है। सो बोर्ड मीटिंग हुआ 12th मार्च 2020 को, जिसके अंदर रिजोल्यूशन पास किया गया कि आपका जो भी डिपॉजिट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं या 2 साल के लिए उसको रिन्यू कर रहे हैं आगे, और उसके सेम टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो पहले थे। सो यहाँ पे मीटिंग का रेफरेंस दे दिया, जो हमेशा हर एक लेटर में लिखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन जो होता है मीटिंग में लिया जाता है और फिर वो जो डिपॉजिट होल्डर है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। तो वो यहाँ पे मीटिंग का रेफरेंस लिखा। और फिर सेक्रेटरी यहाँ पे लिखते कि आपको अभी नई डिपॉजिट रिसिट दी जा रही है जिसका नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और ये आपके लेटर के साथ एनक्लोज या अटैच्ड है करके ऐसे सेक्रेटरी उनको इन्फॉर्म करती है। और फिर हमारा कॉमन थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, सिग्नेचर, जिसका सिग्नेचर है उनका नाम और उसका डेजिग्नेशन, और यहाँ पे एनक्लोजर में फिक्स डिपॉजिट रिसीट 5925 जो यहाँ पे मेंशन किया और एनक्लोजर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये एकदम जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट लेटर लिखा हुआ है, और जो डिपॉजिट होल्डर है उनको कंपनी ने क्या किया, पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है, और आपका फिक्स डिपॉजिट जो है वो रिन्यू हुआ है ऐसा उनको बताया है। नाउ सेकेंड सिचुएशन में कंपनी क्या कर रही है, उनका रीपेमेंट कर रही है, तो उसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। अगेन सेम चीजें है, डियर सर तक, सैल्यूटेशन तक। सब्जेक्ट देखो क्या है, रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। पहले पैराग्राफ में सेक्रेटरी ने देखो क्या लिखा हुआ है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट था, जो आपने
1 दिसंबर 2018 को किया था, जिसका फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर था 123, जो है वो 30th नवंबर 2020 को क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है। तो पहले बताया कि आपने फिक्स डिपॉजिट रिसीट 123 जो 1 दिसंबर 2018 का था 1,00,000 रुपए का, वो अभी क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है 30th नवंबर 2020 को। और फिर सेक्रेटरी ने लिखा कि हमको आपका ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिला है और आपने इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि आपको इसका रीपेमेंट चाहिए करके, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिपॉजिट होल्डर ने क्या किया होगा, कंपनी को बताया होगा कि मुझे इसका पैसा चाहिए। तो सेक्रेटरी ने वही लिखा हुआ है कि हमको आपका ओरिजिनल फिक्स डिपॉजिट रिसीट मिला और आपका इंस्ट्रक्शन भी मिला कि आपको इसका रीपेमेंट चाहिए। उसके हिसाब से बोर्ड मीटिंग हुआ कंपनी का 2nd नवंबर 2020 को। तो बोर्ड मीटिंग हुआ था 2nd नवंबर को, 13th नवंबर को कंपनी की सेक्रेटरी जो लेटर लिखे उसको इन्फॉर्म कर रही है कि हम आपका रीपेमेंट कर रहे करके। सो बोर्ड मीटिंग हुआ था 2nd नवंबर 2020 को, जिसके अंदर आपका डिपॉजिट है उसके ऊपर रीपेमेंट का रिजोल्यूशन पास कर दिया है करके। फिर आपको मैंने बताया था कि जो भी आपके डिटेल्स होते हैं वो टेबल फॉर्म में बताने हैं। आप लोग कॉलम कैसे भी आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे पहले कॉलम में मैंने क्या लिखा हुआ है, कितने दिनों के लिए डिपॉजिट किया था, तो 2 ईयर्स। सो देखो 2018 में डिपॉजिट किया था, 2020 में मैच्योर हो गया, मतलब 2 साल। फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर क्या था, 123, जो यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे टेबल में मेंशन किया है। कितने का डिपॉजिट था, 1,00,000 रुपीज का। फिर बाद में रेट ऑफ डिविडेंड जो था वो 10%, सो 1,00,000 का 10% कितना हो गया, 2 साल के लिए 20,000, 1 साल का 10,000 और 2 साल का 20,000। और मैच्योरिटी पूरा अमाउंट कितना हो गया, तो ये डिपॉजिट अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 1,00,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया 1,20,000। TDS कितना कटा है, देखो 2,000 रुपये, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था 10,000 के ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट जाता है तो वो जितना भी अमाउंट रहेगा उसका 10% काटा जाता है। तो यहाँ पे 10,000 के ऊपर मतलब 20,000 हो गया, तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000। सो 2,000 रुपीज यहाँ पे टैक्स कट गया। तो 1,20,000 में से 2,000 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,18,000। ये नेट अमाउंट जो है वो फिर डिपॉजिट होल्डर को पे किया जाएगा। और कौन से दिन पे उसको पेमेंट किया जाएगा, 30th नवंबर 2020 को पे किया जाएगा। ऐसा पूरा टेबल जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, कितने दिनों के लिए डिपॉजिट था, डिपॉजिट रिसिट का नंबर क्या है, कितने का डिपॉजिट था, इंटरेस्ट कितना है, मैच्योरिटी अमाउंट मतलब ग्रॉस अमाउंट कितना हो गया, TDS कितना डिडक्ट होगा और नेट अमाउंट कितना पे होगा और कौन से डेट को पेमेंट होने वाला। तो ये आप कॉलम्स आपको याद करने हैं। फिर लास्ट में आप लोग क्या लिखते हो कि ये जो आपका 1,18,000 है उसका हम आपको चेक दे रहे, तो चेक का डिटेल यहाँ पे लिख रहे। तो सेक्रेटरी वही लिखा कि एक चेक हम लोग यहाँ पे एनक्लोज कर रहे हैं। एनक्लोज कर रहे मतलब क्या, जोड़ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, जो क्रॉस चेक है, जिसका अमाउंट कितना है, 1,18,000। और इसका नंबर क्या है चेक का, तो ये नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। कौन से डेट का चेक है, तो वो डेट मेंशन किया, और कौन से बैंक और उसका ब्रांच, ये सारे डिटेल यहाँ पे आपको लिखना जरूरी है। सो चेक के इन शॉर्ट उसको डिटेल दिए हुए है, क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे, रीपेमेंट कर रहे हैं। और सेम जो है यहाँ पे भी लिखा हुआ कि आपका क्रॉस चेक नंबर जो है यहाँ पे अटैच किया है इनक्लोजर के अंदर। इनक्लोजर में मेंशन करना जरूरी होता है, यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। एंड देन थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये हमारी कॉमन चीज है। तो इस तरीके से ये लेटर जो है आप लोगों को लिखना है, एकदम सिंपल है। आपको एक 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 स्टेप याद रखना है, जिसमें पहले तो आपने उनको बताया कि आपने 2018 में अपना यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट किया था, 2020 में अभी ये ड्यू हो चुका है, कंपनी का बोर्ड मीटिंग हुआ था जिसमें रिजोल्यूशन पास किया आपके रीपेमेंट के लिए, टेबल में आपने पूरा डिटेल बताया रीपेमेंट का, और रीपेमेंट का जो चेक है उसके डिटेल्स यहाँ पे आपने लास्ट पैराग्राफ में मेंशन किया। तो इस तरीके से रिन्यूअल और रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट का लेटर जो होता है वो सेक्रेटरी लिख के डिपॉजिट होल्डर को इन्फॉर्म करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।